हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का दिन बहुत ज्यादा खास है क्योंकि शिपाली, हर दिन आपका खास ही होता है। मेरा खास नहीं है, शिपाली का खास है क्योंकि उसने कराने हैं अपने आंखों की लैशेस को बड़ा करवाना है उसने। इस पे ऐसे और बाल लगवा लेने, नकली नकली से ऐसे लंबे हो जाएंगे। शट अप यार, मस्त एकदम। ऐसे नहीं बोलते। सो गाइस, आई एम जस्ट गोना डू लैश एक्सटेंशंस टुडे और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। व्हाट, स्टे ट्यून्ड? बताएंगे आपको कि कितना बजट हो, कितने कितने में हुआ और कैसा हुआ और सारी डिटेल्स देंगे, है ना? आई विल। हां चलो, और मेरे को थोड़ा सा काम भी है बाहर, मैं वो भी निपटा आता हूं जब तक। ठीक है ओके। सो गाइज, जिन्होंने मेरा लैश एक्सटेंशन किया है उनका नाम है अली और इनके दिल्ली NCR में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यू नीड टू चेक विद हिम कि अगर ये कहीं और सिटी में या फिर स्टेट में सर्विस प्रोवाइड करें तो। सो मुझे जो लैश एक्सटेंशन हैं मैंने पता किए थे, ये मुझे 4000 से मतलब अबव ही मिल रहे थे। इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे दिया था। सो जो मैंने करवाए हैं हाइब्रिड, दैट कॉस्ट मी अराउंड 3000 और आप इनसे बात कर सकते हैं और जो भी इनका कैटलॉग चेक कर सकते हैं और जो भी आपको मतलब जिस टाइप के एक्सटेंशंस करवाने हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अभी थोड़ी आगे आपको बता दूंगी, वो आप करवा सकते हैं। सो गाइस, इस प्रोसेस में डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा, 1 आवर भी लगता है, 1/2 आवर भी लगता है। इट डिपेंड्स कि आपको किस टाइप के लैशेस चाहिए। सो जो इन्होंने लैशेस मुझ पर यूज़ किए हैं विथ दैट इज़ नेचुरल, मतलब ये नेचुरल लैशेस हैं, ये कोई फेक नहीं है, क्योंकि मैंने लगाने के बाद आई फेल्ट इट कि ये हार्ड नहीं है। जो कि नॉर्मल लैशेस अगर आप देखो, अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं होते हैं तो आपको हार्ड लगते हैं, तो ये जो है एकदम नेचुरल लैशेस हैं। तो थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना होगा, जितनी ही ज़्यादा आप केयर करेंगे उतना ही जो इसका इफ़ेक्ट है वो लास्ट लॉन्गर होगा। जो ये प्रोसेस है, इसमें ये क्या करते हैं, आपके जो लैशेस हैं, आपकी जो नेचुरल लैशेस हैं उनमें ये जो फेक लैशेस हैं ये ग्लू की हेल्प से लगाते हैं। आप जैसे देख भी रहे हैं कि ये एक एक लैश को, एक एक फॉल्स लैश को मेरे जो रियल, जो मेरे नेचुरल लैशेस हैं उनमें ग्लू की हेल्प से ये स्टिक करते हैं। सो ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है, जिसमें आपको आंखें नहीं खोलनी है। ये जितनी भी देर ये काम कर रहे हैं, मतलब जितनी भी देर इनको लग रही है, आप देख रहे हैं एक एक अपने हाथ पे से एक लैश ले रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इनको जितनी भी देर लग रही है आपको आइज़ ओपन नहीं करनी है। ये अगर आप करवाएंगे इनसे या किसी से भी तो वो आपको ऑलरेडी मना कर देंगे कि हाँ, आप अपनी आइज़ ओपन मत कीजिएगा। ऐसा नहीं लग रहा, मैं देखो ऑपरेशन हो रहा है इसका। मेरे को अब तुम हंस क्यों रही हो, मैं कोई जोक थोड़ी मार रहा हूं। अब बोले लगे रहेंगे, 1.5 महीना चलेंगे। अच्छा, 1-2 महीना हमें। आप टेप तो नहीं पूछ रहे ना कि टेपे लगी रहेंगी? नहीं बेटा, वही मैं, मुझे भी पता नहीं कॉमी वो जैसे कुछ आंखों को कराओ तो ऐसा नहीं बड्डे और कॉटन में लगाया जाए, उतारना नहीं रात तक। अच्छा नहीं, अभी हट जाएगा। अच्छा, 1-1.5 महीना चलेगी कह तो रहे। देखो कितना चलते हैं, फुल तैयारी हो रही है वैष्णो देवी जाने की। हम बोल रहे हैं, क्या लग रहा है? और उठाया जो, तो भैया आप कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? मुझे मैक्सिमम 5 ईयर हो गए हैं इस काम में। 5 ईयर्स हो गए हैं जी हाँ। तो अगर कोई आपके पास न्यू क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि मुझे करवाना है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि आपके जो भी आपके पास है, मतलब जिस टाइप के होते हैं ये एक्सटेंशंस या फिर क्या कहते हैं कि कौन से फेस पे सूटेबल है, मतलब आईज के अकॉर्डिंग करते हैं मैम। हाँ, तो आप उनको एक्सप्लेन कर देंगे पिक्चर्स मंगवा के? उनको पहले हम दिखाते हैं फोटो, उसके बाद में अगर उनको पसंद आते हैं जो भी लैशेस उसी अकॉर्डिंग करते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? कोई साइड इफेक्ट अभी तक तो हुआ नहीं। अच्छा, पता नहीं। ठीक है, तो गाइस मैं इनकी जो डिटेल्स हैं, इनका नंबर मैं व्हाट्सएप पे, सॉरी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और उसके साथ साथ जो इनकी इंस्टा प्रोफाइल है वो भी मैं डाल दूंगी। और आप इनका जो नंबर है उस पर आप कैटलॉग चेक कर सकते हैं, इसमें आप प्राइसिंग एंड ऑल दैट अकॉर्डिंग टू एक्सटेंशन जो आपकी रिक्वायरमेंट है।
वो आप देख सकते हैं और उसपे उसे चूज कर सकते हैं, और आप इनसे बात भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सजेशन की नहीं रहे तो. अच्छा भी करा है. हाँ, इन्होंने अच्छा किया. वो मैं भी आपको दिखा दूंगी फाइनल रिजल्ट. ठीक है, थैंक यू भैया. खुश देख लो भाई, कितनी खुशी समाई नहीं जा रही, इतनी खुशी है. नकली आई लैशेज लगवा के. सी गाइस, फाइनल लुक कैसा लग रहा है? डू कमेंट बिलो, लेट मी नो. नहीं, काम तो अच्छा कर रहा लगा ना. हाँ, सही किया. मतलब मैंने हाइब्रिड बोला, फिर उसने काफी वॉल्यूम दे दिया. मेरे को था कि थोड़ा अजीब ना लगे, यू नो, फेस पे. अच्छा लग रहा है, लेकिन सही अच्छा लग रहा है. हाँ. थोड़ा सा ऑड लगता है मुझे, लगा थोड़ा, मतलब जैसे लैशेस आप लगाते हो ना, फॉल्स लैशेस, तो आपकी आईज में थोड़ा पेन होता है. जब वो टेप्स लगी थी, मुझे लगा था यार ये तो बहुत हैवी लग रही है. पेन नहीं होता, एज इन आपको हैवी लगती है कि हाँ आपकी आई पे कुछ है, आई पे कुछ है. वैसे भी रीजनेबल है. हाँ, रीजनेबल भी है. तो गाइज, मैं इनका नंबर जो है वो ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उनका कैटलॉग चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनके पास चार टाइप की होती हैं. मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ. तो वन इज बेसिक, देन अदर वन इज हाइब्रिड वॉल्यूम, देन मेगा वॉल्यूम. जो मैंने करवाया है वो है हाइब्रिड, ये सेकंड आते हैं. हाँ, मैंने काफी जगह प्राइस पता किए थे. जो मेगा वॉल्यूम है उसमें वो क्या करते हैं, वो इंसान के एक अंकल की मूछें निकाल के वो आपके आंखों पे चिपका देंगे. दैट इज मेगा वॉल्यूम. ये जरा अपना थोड़ा चेहरा भी दिखाना है बोलते हुए. तो उनको पता है यार सब किसके बारे में. मेगा वॉल्यूम. हाँ, तो मेगा वॉल्यूम में ऐसे वो अंकलों की मूछें होते हैं और उसको इसी की मूछें, इसी की मूछें. मेरी तो मेरी वो है स्मॉल वॉल्यूम. हाँ, तो जो मैंने करवाया दैट इज हाइब्रिड वन. उन्होंने कहा है कि वन मंथ चल जाने चाहिए, वो तो पता चलेगा कि वन मंथ चलते, वन मंथ से ऊपर चल जाए. बट उन्होंने कहा कि मस्कारा नहीं लगाना है और क्या बोला, ज़्यादा इसको इस तरह से रब नहीं करना है, तो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है. डिपेंड कि आप भी केयर कैसे करते हैं. वैसे कह रहे हैं वन मंथ चल जाएगी, कईयों ने मुझे बोला कि 20-25 दिन ही चल दिया. है ना. सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना चाहें, दिस प्रोसेस इज़ नॉट पेनफुल एट ऑल. और इसमें एक घंटा लग गया था मुझे. दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी आईज, मतलब कईयों की छोटी आईज होती है, उसमें भी उसमें कम टाइम लगे, और कईयों को इतनी वॉल्यूम नहीं चाहिए तो उसमें भी कम टाइम लगे. बट कईयों को मेगा वॉल्यूम चाहिए तो मे भी उसमें ज़्यादा टाइम लगे. तो इट डिपेंड्स ऑल्सो. हाँ, और डिपेंड करता है ना कि आपको किस. हाँ, बाकी उनका नंबर मैं दे ही रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप उनसे पता कर सकते हैं. सो गाइज, आई बिलीव दैट्स इट. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. और अगर ये करो ना, दोनों दिखेंगे ना, कोई बात नहीं यार. फ्रेम भी दोनों आने चाहिए. ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड करंटली साइन आउट. बाय बाय.